हाँ ये है, बट आई थिंक दे आर देयर, कोई नहीं। बैकग्राउंड क्लीन है ना? आई थिंक मैं यही कहूँगी अभी तक और हमेशा, मुझे विश्वास था है और रहेगा कि गणपति बप्पा के आशीर्वाद से सब अच्छा होता है और अच्छा होगा। एंड अच्छा लग रहा है दैट इनकी कृपा और ब्लेसिंग से जो हुआ सब अच्छे से हुआ। एंड पहला साल है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड ये मैं बचपन से इनको, मतलब घर हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मेरा पूरा परिवार इन्वॉल्व रहता है, तो अब अच्छा ही है। इनफैक्ट तैयारी करने में, उनका श्रृंगार करने में, एंड हर साल जैसे आप देखते हैं कुछ नया, एक मैं ट्राई करती हूँ दैट उसका डेकोरेशन अलग हो। सो अच्छा लग रहा है दैट आई एम ह्योर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स एंड आई एम एन्जॉइंग इट। एक्चुअली ये होता है दैट एवरी ईयर माई मदर लाइक्स टू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन आइडल। एंड हम मानते हैं कि भगवान तो मन में है, दिल में है, एंड इनकी कृपा बनी रहे। हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि ये दिन हम मानते भी हैं, और ये कई बार काफ़ी लोगों ने कहा है दैट गणपति बापा को जब आप थोड़ा सा भी करते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं, एंड उनकी कृपा बनी रहती है। थोड़ी सी सेवा एंड त्यौहार मना लो एंड ही इज़ ऑलवेज देयर, विघ्न हरते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, बड़े क्यूट से हैं। एंड एवरी ईयर एक ही बात मैं जैसे पहले भी कह रही थी दैट वी ट्राई के जो भी करें मन से करें और अलग कुछ करें। जैसे हर साल एक अलग मूर्ति होती है उनकी, और वो भी बहुत सिंबलाइज करता है दैट वो कैसे बैठे हैं आराम से। सो यू नो द वे ही लुक्स, एंड उनको मोदक पसंद है, तो ये घर में बनता है। एक मोदक की स्पेसिफिक रेसिपी है जो माई मदर लव्स टू मेक, वो मोदक घर में ही बनते हैं। एंड वो हम कौन, वो आप हमेशा पाएंगे। एंड फिर ये कि उसे सजाना है तो कैसे करना है, तो कई बार ये होता है कि यू वांट टू मेक लाइट्स, यू वांट टू डू समथिंग, कभी कभी प्लेन एंड सिंपल रखना, कभी कभी क्लीन रखना। तो इस साल कुछ आई डिसाइडेड टू यू नो मेक सम लैम्प्स एंड डेकोरेट देम लाइक दिस। एंड तैयारी तो वैसे एक महीने पहले, ये तैयारी से ज़्यादा वो एक जोश आ जाता है कि अरे गणपति फेस्टिवल इज़ देयर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट, ऐसा लगता है खुद ही का जन्मदिन है। आई फील सो हैप्पी एंड एलेटेड ऑन दिस डे। नहीं एक्चुअली ये कई मैंने देखा है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि गणपति जिस दिन बैठते हैं उस दिन बारिश होती है, रेयर केस में हुआ है। एंड ये आई थिंक ये ऐसा साल है जब बहुत ही, मुझे आई थिंक बहुत ऑस्पिशियस है ये कि इतनी बारिश भी हो रही है। एक तरीके से ये थोड़ी अड़चन तो है लोगों को आने में, बट इनकी कृपा है तो खूब बारिश बरसा रहे हैं और सबको कूल कर रहे हैं। बारिश की भी बहुत ज़रूरत है। कई बार विसर्जन के टाइम या शाम के टाइम बारिश बरस जाती है, बट ऐसे जिस तरीके से बरसी है, आई थिंक इस साल गणपति बापा बहुत कृपा रखेंगे हम सब पर। मैं सच कहूँगी इस बारे में कि मेरे घर में ये कोई वो वाली बात नहीं है, परंपरा है, एक मान्यता बहुत मेरे बचपन से है, और मैं जानती हूँ कि जब उनकी कृपा रहती है तो हर चीज़ आपके लिए जो भी अच्छी है वही करते हैं, एंड जैसा करते हैं सही करते हैं, अच्छा करते हैं। एंड अगर आप मांगते नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली कभी कभी ये भी हो जाता है कि जो आपने शायद ना मांगा हो और मिल गया तो आप ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस, और एक एक मांग हमेशा होती है, और आई थिंक बहुत ही लोग वो मानेंगे कि हम सुरक्षित रहें, खुश रहें, और हमसे ज़्यादा दूसरों के लिए मांगना एक आई थिंक मेरे में हैबिट रही है। सो आई थिंक वो तो कांस्टेंट है। नहीं हम एक्चुअली कई बार लोग बुलाते हैं पंडित को, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो हम मन से मानते हैं आरती हम खुद ही करते हैं, बिकॉज़ माय मदर लाइक्स टू डू हर ओन पूजा एंड उनको शी इज़ क्वाइट दैट वे रिलीजियस, उनको अच्छा लगता है, तो आरती भी होती है एंड कई लोग आते हैं, इन्वॉल्व भी होते हैं। एंड इनके जो स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं जैसे ये शू फ्लावर जो है वो उनको बहुत पसंद है, वो चढ़ते हैं, मोदक चढ़ते हैं, और खेस होता है, और एक जनोई होती है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें, ये मेरी आई थिंक मॉम को ज़्यादा वो है, बट ये आई गेस दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी डू। आई एम वेरी मैरिटेड एनी वे, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर अति सिंदूराची नो नो डोंट पुट दिस, ये निकाल दे।
जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मा प्रेम न कामना पूर्ति जय देव जय देव गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया यही गणपति बापा मोरिया खुश रहे और मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड सब लोग खुश खुशी से मौज करे खूब खाए पिए और बस गणपति बापा की कृपा सब पर रहे।